हे हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप रियर डेल्ट को, जो कि शोल्डर का पार्ट है, होता है, ठीक है। पोस्टीरियर हेड, आपके शोल्डर के लिए, अगर आपने जिमिंग करना स्टार्ट किया है या काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन शोल्डर का वो 3D लुक या शोल्डर बोल्डर जो कहते हैं वो आप डेवलप नहीं कर पाए हो, उसका रीज़न क्या होता है? फर्स्ट थिंग, तो आप शोल्डर के हेड को कैसे ट्रेन करते हो? तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आप शोल्डर के वर्कआउट के अंदर रियर डेल्ट को शोल्डर के साथ वर्कआउट में डालते हो, तो उससे बेटर एक ऑप्शन आपके पास है कि आप बैक के वर्कआउट में अपने रियर डेल्ट को यूज़ करो। उसका रीज़न ये है कि आप चाहे लैट पुल डाउन करो, रोइंग करो, बेंट ओवर रोइंग करो, टी बार करो, वहाँ कहीं ना कहीं एज ए हेल्पिंग मसल, असिस्टिंग मसल, सेकेंडरी मसल्स, आपका रियर डेल्ट यूज़ होता ही होता है। अगर आपका अंडर डेवलप है रियर डेल्ट, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो उसको डेवलप करने के लिए आप अगर बैक के साथ में करते जाओ, ऑलरेडी वो यूज़ हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक यूज़ ज़्यादा होगा, उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस वर्कआउट को डिज़ाइन कैसे करोगे? 2 से 3 एक्सरसाइज आप रियर डेल्ट का यूज़ कर सकते हो, बाकी बैक के वर्कआउट में आपका रियर डेल्ट यूज़ होगा ही। तो स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करो आइसोलेट मूवमेंट के साथ, इसके आप 15 to 20 रैप कर सकते हो। स्टार्टिंग में 2 सेट वार्म अप रखना लाइट वेट से, सो ये आपका पहला सुपर सेट है। सुपर सेट करने का फ़ायदा ये होता है कि एक आप HIIT मोमेंट देते हो अपनी बॉडी को, मसल ग्रोथ के लिए और फैट बर्न करने के लिए। तो अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो और अभी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से आप चीज़ों को एक फ्रेम में डाल सकते हो, जिसको हम वी टेपर बोलते हैं, ठीक है। ये बैक, कमर छोटी सी, ऊपर से जो आपका एक ब्रॉड लुक निकल के आता है, उसके लिए सबसे एसेंशियल होता है शोल्डर का लुक। वो जब तक 3D लुक निकल के नहीं आएगा, आपका वी टेपर कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसको बिल्ड करने के लिए आप अपने वर्कआउट के अंदर इसको डालो, 4 से 5 हफ्ते के लिए फॉलो करना, और आपको चेंज अपने आप दिख जाएगा। तो पहले आप 15 to 20 रैप्स करोगे रेयर फ्लाई का, ठीक है, मोमेंटम ये रहेगा। उसके बाद में लैट पुल डाउन, हल्का सा बॉडी को लीन करके पीछे की तरफ, और लैटिसिमस के साथ में रियर डेल्ट को यूज़ करना है। 5 सेट करने हैं स्टार्टिंग में, 2 आपके वार्म अप रहेंगे, उसके बाद 3 वर्किंग सेट रहेगा। अगर आप 6 सेट करते हो तो लास्ट वाले को आप ड्रॉप कर सकते हो दोनों जगह पे, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ड्रॉप आपके हाइपरट्रॉफी में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये है थर्ड एक्सरसाइज, बेंट ओवर रो। जब नॉर्मली हम मोमेंटम करते हैं, हल्का सा बॉडी को अप रखते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन रियर डेल्ट को भी हमें उतना ही यूज़ करना है। तो हम थोड़ा पैरेलल टू फ्लोर जाएंगे, एल्बो को वाइड रखेंगे और ये मोमेंटम लेके आएंगे, ठीक है, आपके अपर एब्स पे ये मोमेंटम रहेगा। और जिसको आप रोइंग कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो आपका रियर डेल्ट भी यूज़ करेगा और बैक आपका प्राइमरी मसल वर्क कर ही रहा है। तो इसमें आपका बैक विड्थ भी होगा, और एक जो हम शोल्डर का एक 3D लुक जाते हैं रियर के साथ में डेवलप करने के साथ में, तो एक वो भी लुक आपका इसके अंदर यहाँ से आ जाएगा। अब ये सो पंप इसके आप देखो, 4 से 5 सेट रख सकते सो ये हो। डिफरेंस है रेपिटेशन 10 to 15, आपके रियर डेल्ट पहला को सेट वार्म अप रखना बैक के लाइट वेट वर्कआउट के के साथ साथ में, उसके ऐड बाद करने में के लिए। आप इंक्रीज कर सकते हो वेट अपने अकॉर्डिंग। सो ये है फेस पुल। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि लोग रोप के साथ में करते हैं, बट क्योंकि रियर डेल्ट को इन्वॉल्व करने के लिए हमें उसमें ना एल्बो को वाइड करना पड़ता है 90 डिग्री पे, ताकि हमारा रियर डेल्ट मैक्सिमम उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो अगर आप इस बारबेल को यूज़ कर सकते हो रियर फेस पुल के लिए, तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ये मोमेंटम रहेगा इसके अंदर। ऑल दैट,
अब ये है एक रोइंग वेरिएशन, इसके अंदर हम दो ग्रिप यूज़ करेंगे, वी बार और दूसरा रोप से, और वो कैसे काम करेगा मैं आपको ये दिखाता हूँ। टेन से 15 रैप्स आप इसके करोगे, उसके बाद में इस पे रोप को अटैच करोगे, रोप से इतना वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे, सो 2 से 3 प्लेट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप कम कर लेना। एक ग्रिप रहेगा, ठीक है, सिट स्ट्रेट एंड एक्सटेंड। टेन टू 15 रैप्स इसके, 4 सेट, वेट को इंक्रीज करना हर सेट के बाद में, मिनिमम 10% जिस वेट से स्टार्ट करोगे उसका, ये लास्ट है। इसमें फिर आप अपने अकॉर्डिंग लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए हाइपर एक्सटेंशन, सुपरमैन या कुछ ऐड कर सकते हो। सो आज के लिए डन, इस रूटीन को अपने बैक वर्कआउट में ऐड करके देखो, और फिर उसके साथ में अपना बैक का पंप चेक करो कि रिजल्ट का वो निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा। और ज़्यादा मैक्सिमम पंप के लिए आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये पॉजिंग एंड स्ट्रेचिंग दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हो, उससे रेस्ट भी हो जाएगा और आपका जो एक ऑक्सीजन सर्कुलेशन है ब्लड के अंदर वो भी बढ़ता रहेगा, तो मसल का पंप और वॉल्यूम ज़्यादा निकल के आएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।